ओम परमात्मने नमः। 31वें अध्याय में प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भारी मारिसा को पुत्र के परम पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजनी मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे और जैसे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और नेत्र को वश में किया तथा शरीर को निश्चित स्थित और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर लिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही बंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालांतर कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तो वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देवर से आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभो, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं, अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं पे भगवान मय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, श्री नारद जी ने कहा कि राजाओ, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्रीहरि को प्राप्त न किया जाए उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यक्ष दीक्षा से प्राप्त होने पर उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य आत्म नात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है। आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण होता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वो शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधिरहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुसुप्ति में उसकी शक्तियां लीन हो जाती हैं,
उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त में होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण, जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी कार्य शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। तो वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपनेपन को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम प्रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रिया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। तो जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कर्मों के मध्य से उत्पन्न होकर ऐसे निष्कंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन बुद्धि दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं, उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था वो मैंने आपको सुना दिया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहां तक स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्यभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से ये भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हुए। भक्ति भाव उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे कि महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं, आज आपने मुझे अंधकार अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी को उपर्युक्त कृतज्ञ सूचक वचन सुनकर
तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वह हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु धन सुयश क्षेम सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।